साहब इस पट्टन ने हमारे चोरी लगा दे, तुम्हारे लग के तुम्हारे कब्जे में है पैसा कमाने का क्या है। सजोल सिंह ने स्वयं का इतना पुलिस प्रशासन को पैसा खिला रहा है, तुम दो तक तुम्हारी लड़की देंगे बच्चा नहीं जाएगा। आप बस हिम्मत रखिए, ये देखिए बहुत दुखद घटना है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अत्यंत दुखद घटना थी। हम और पुलिस अधीक्षक साहब यहाँ आए हैं और वो बच्ची जो थी उसकी माँ से उसके भाई से बात हुई है। उनकी सुरक्षा की मांगें थी, उनका कहना था कि कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा लापरवाही की गई है, तो उन्हें बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक के ख़िलाफ़ कार्रवाई है तो कार्रवाई कर दी गई है। जहां तक अन्य जो पुलिस अधिकारी और अन्य जो कर्मचारियों की बात है उसके बारे में भी एडिशनल SP साहब जाँच कर रहे हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता की माँ की जो उनकी माँ थी उनकी कुछ अन्य मांगें थीं, उस पर भी हम लोगों ने उन्हें बताया है कि जो भी समुचित कार्रवाई होगी उस पर तुरंत हम लोग करेंगे। किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी, पूरी तरीके से प्रशासन उनके साथ है। देखिए इन लोगों की एक मांग ये भी थी कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, इसके लिए एप्लीकेशन दी जाएगी और हम लोग भी चाहते हैं कि इस प्रकार के जो मुकदमे हैं उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में वहाँ पर चलकर और उसमें शीघ्र शीघ्र माननीय न्यायालय का निर्णय आए ताकि समाज में एक संदेश जा सके कि गलत काम नहीं करना चाहिए। सर अक्सर ऐसा देखा गया है कि उन्नाव में जो घटनाएं होती हैं उसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने के लिए मिलती है, खासतौर पर पुलिस की, तो ऐसे में किस तरीके से इस व्यवस्था पे को देखा जाएगा और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए इसमें जब से पहली बार जानकारी हुई है उस समय से पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी चूंकि FIR दर्ज करने में विलंब हुआ इसी के कारण से प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर दी गई। अन्य लोगों के बारे में भी कहा गया है और अगर अन्य लोग भी दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। CO City पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उनकी बड़ी लापरवाही है क्योंकि उनके पास फैमिली के लोग लगातार जा रहे थे और वो उनके फैमिली को के लोगों को टरका के वहाँ से चलता कर देते थे, तो ऐसे में CO City पर किस तरीके की कार्रवाई की? CO City के बारे में भी इन लोगों ने कहा है और उसकी जांच एडिशनल SP साहब कर रहे हैं। अगर CO के स्तर पर भी लापरवाही होगी तब उसके लिए भी कार्रवाई के लिए हम लोग अक्षर भेजेंगे। थैंक यू।